तो ये राम की नई अयोध्या है, ये राम की दिव्य अयोध्या है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब तकरीबन 1.5 महीने का वक्त बचा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जहां मंदिर के साज सज्जा आखिरी चरण में हैं, वहीं समारोह के लिए देश भर के साधु संतों समेत तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी मुख्य यजमान होंगे। इस खास समारोह के लिए साधु संतों समेत देश भर के करीब 8,000 गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। वहीं राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण कार्य आखिरी दौर में है। मंदिर के भूतल के बाद दूसरे तल का काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा भगवान श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो राम मंदिर में जो ध्वज लहराएगा वो द्वारकाधीश से लाया जा रहा है। ध्वज के लिए अयोध्या नरेश के मंदिर के लिए अहमदाबाद में 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण चल रहा है। तो कैसा है वो हम आपको इस वक्त जो है तस्वीरें कुछ दिखाते हैं, आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो निर्माण कैसा चल रहा है। वो बाकायदा जो है उन्हें अहमदाबाद से लाया गया है, उन्हें बनाया जा रहा है, उन्हें उकेरा जा रहा है और वहीं पर ही जो ध्वज है वो द्वारकाधीश से लाया जा रहा है। वहीं अयोध्या में बन रही, ये देखिए तस्वीरों से देखिए किस तरीके से उसका निर्माण चल रहा है। तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर साधु संत बेहद खुश हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले साधु संत क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बहुत खुशी है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में चंपत राय के तरफ से सभी साधु संतों को निमंत्रण कार्ड भेजा जा रहा है, जो प्रथम अयोध्या से मुझे मिला हुआ है प्रथम कार्ड, और काशी में भी मिला हुआ है, वृंदावन में भी बहुत लोगों को मिला हुआ है। तो ये बड़ी खुशी है क्योंकि संतों का इच्छा था कि कब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। जिन्होंने अपने शरीर का कर दिए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोली खा लिए, आज उनका सपना साकार हुआ। आज अयोध्या एक विश्व ख्याति की लेबिन में योगी मोदी लेके जा रहे हैं, जिसको लेकर के प्राण प्रतिष्ठा में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और मैं बहुत बड़ा सौभाग्य वाला हूँ जो राम जी की कृपा से वहां जा करके प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होऊंगा। ये बहुत खुशी की बात है। तो हलचल हो गई काफ़ी तेज़, हर कोई रामनगरी के दर्शन करना चाहता है, हर कोई पहुंचना चाहता है रामनगरी से। हमारे सहयोगी अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान रामलला का दिव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर के ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से अहिल्या रूपी पाषाण रखे गए थे, जो 1990 के दशक से अभी तक ऐसे रखे गए थे, तो आज उन पत्थरों का भी जो काम है वो पूरा हो गया। भगवान रामलला का दिव्य मंदिर बन रहा है। जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 4,000 से अधिक वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया है, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी होंगे। कुछ ऐसे परिवारों को बुलाया गया जो लेबर होंगे, मजदूर होंगे, जो राम की भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कार्य कर रहे होंगे, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। तो पूरी अयोध्या में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, लोगों की यही इच्छा है, लोगों की यही मनसा है कि जब आराध्य अपने गर्भगृह में विराजमान हो तो सबको निमंत्रण पत्र, ट्रस्ट बेहद खास तैयारी कर रहा है, सबको निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। संभ्रांत साधु संतों को निमंत्रण पत्र कुछ संतों को मिल भी चुका है। तो ऐसे में जब भी भगवान रामलला अपने गर्भगृह में यानी दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, उससे पहले जो साधु संत होंगे, जो संभ्रांत लोग होंगे, जगत से होंगे, फिल्म जगत से होंगे, लेबर मजदूर होंगे, वकील होंगे, जज होंगे, सभी को निमंत्रण भेजा जा रहा है। कुछ दिन पहले ट्रस्ट ने चरणराज भेज करके भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग सही शरीक होंगे उनको चरणराज भेजा था। तो यूँ कहा जाए बड़े पैमाने पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी, वही भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के भगवान रामलला को विराजमान कराएंगे, उनके साक्षी बनेंगे। तो यह ऐतिहासिक क्षण काफ़ी अलौकिक होगा क्योंकि जितने भी लोग थे उनको निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। 4,000 जो साधु संत होंगे वो होंगे, 2,500 ऐसे संभ्रांत लोग होंगे वो होंगे। तो यूँ कहा जाए पूरी अयोध्या में त्रेता का नज़ारा है। अयोध्या लगभग बनकर सज कर संवर कर तैयार
हो गई है, यानी इंतजार है 22 जनवरी का, जब आराध्य अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो राम मंदिर का कितना काम पूरा हो चुका है, कितना बाकी है, निकित सरीन की रिपोर्ट। राम की नगरी अयोध्या में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये वही जगह है जो कुछ बरस पहले कह सकते हैं कंकाल की तरह थी। राजाओं की राजधानी मानी जाने वाली अयोध्या कुछ साल पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज इसकी जो तस्वीर है, इसकी जो सुंदरता है, वो देखते बन रही है। ये पूरी जो जगह है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और आज ये जो भव्य राम मंदिर है, ये यहाँ पर लगभग बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के निर्माण की अगर बात की जाए तो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। मंदिर के चारों ओर बस निर्माण कार्य को पूरा करने में सब लोग जुट गए हैं, और मंदिर के भूतल का जो निर्माण है वो लगभग पूरा हो गया है। बाकी तल पर निर्माण तेजी से चल रहा है और इसे दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद भी है। हम आपको लगातार अपने कैमरे से दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये देखिए जो पिलर्स हैं, और सबसे पहले इस गेट की अगर मैं बात करूं तो ये सिंह द्वार है, जहां से एंट्रेंस के तौर पर जो एक मुख्य द्वार है, यहीं से लोग अंदर जाएंगे और राम लला के दर्शन करेंगे। तो ये जो द्वार है, जो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर तैयार हो रहा है, और इसके काम में लगातार लोग लगे हुए हैं, और जो कह सकते हैं कि नए मंदिर में भगवान श्री राम 8 फीट ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे, और इसके लिए राजस्थान में संगमरमर का सिंहासन भी तैयार किया जा रहा है, और इस सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। ये 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएगा, और इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जो तैयारियां हैं उसके बीच राम मंदिर निर्माण का काम और तेजी से भी यहां पर कर दिया गया है, और मजदूरों की संख्या की बात की जाए तो जरूरत के हिसाब से बढ़ा दी गई है, और निर्माण कर रही कंपनी जो है L&T इस वक्त जो अपना काम है उसको पूरा करने में जुट गई है। हम इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो पिलर्स हैं उस पे जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, जो नक्काशी है, बेहद खूबसूरत है। तो अयोध्या नगरी राम भक्तों को समर्पित हो जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दी गई है। अब राम मंदिर का जो काम है, जो 15 दिसंबर तक हर हाल में तैयार भी किया जाना है। हम बात करें प्रथम तल की, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, उसका काम भी 80% पूरा हो चुका है, और राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाने वाला सिंहासन 3 फीट ऊंचा होने वाला है और 8 फीट लंबा, साथ ही 4 फीट चौड़ा भी होगा। परिक्रमा मार्ग की ओर भी हम आपको ले चलेंगे, तब तक आप लगातार तस्वीरें देखते चलिए। हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं राम मंदिर की, जहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान जो होना है, प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम होना है, वो उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आपको यहां का काम दिखाते हैं। ये वही जगह है जहां पर स्वयं राम लला विराजमान होंगे। यही वो जगह है जहां पर लंबे वनवास के बाद कह सकते हैं कि श्री राम खुद यहाँ पर विराजमान होंगे। एक बेहद ऐतिहासिक पल, रोंगटे खड़े कर देने वाला पल, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। रामलला का मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में होगा, और अयोध्या के राम मंदिर की जो लंबाई है 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 161 फीट है, और इसमें कुल 5 मंडप होंगे, जिसमें अलग अलग जो ग्रह है, अगर मैं बात करूं तो गर्भगृह जो आपको लगातार हम जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हैं, और प्रथम तल पर राम दरबार होगा, और राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और परम भक्त हनुमान के साथ विराजमान होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको दिखा रहे हैं हम लगातार एक्सक्लूसिव। मंदिर को जिस तरीके से बनाया गया है, भक्तों के
चरण गर्भगृह में फिलहाल गर्भगृह के अंदर तक भक्त आए या नहीं आए उसका स्ट्रक्चर अभी फिलहाल डिजाइन किया जा रहा है, और ऐसे में गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा जो पथ है वो भी बनाया गया है कि जो यहाँ पर राम भक्त आते हैं और किसी कारणवश वो अंदर नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए फिलहाल परिक्रमा पथ है वो बनाया जा रहा है जो 10 फीट चौड़ा होगा, और इस मंदिर में रोज 1,00,000 प्रभु भक्त राम के दर्शन कर सकेंगे। तो हमने आपको पहले भी बताया कि जो ध्वज लहराने वाला है वो द्वारकाधीश से आ रहा है। ध्वज के लिए अयोध्या नरेश के मंदिर के लिए अहमदाबाद से 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण चल रहा है। अब अहमदाबाद से जतिन रावल की रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या राम मंदिर को लेकर अभी पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां जो है वो चली है। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में आप देख सकते हैं गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जो स्तंभ है उसका जो स्तंभ है वो कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको दिखाएगा स्तंभ, जो ध्वज स्तंभ है उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है अहमदाबाद के अंदर। आप देख सकते हैं ये ध्वज जो है तकरीबन 5500 किलो का जो इसमें पीतल है वो इसमें यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो राम भगवान की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर अभी यहाँ पर लगाई गई है, और इसका जो जो मॉडल होगा वो मैं आपको कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाए आपको, इसी मॉडल पर जो है इसको पूरी तरह से जो है ये इसी मॉडल के ऊपर इसको बनाया जाएगा। जब इसको यहाँ से ध्वज जो लगाया जाएगा उसको यहीं से ऊंचा किया जाएगा, यही बिल्कुल मॉडल जो है इसी मॉडल के ऊपर जो है ये ध्वज स्तंभ जो है इसको यहाँ पर अहमदाबाद के जो गोता विस्तार है गोता विस्तार में जो अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स है कंपनी वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर तकरीबन अगर बात करें तो तकरीबन 1 महीने से भी जो बनाने की जो काम के लिए आप देख सकते हैं ये जो मंदिर के ऊपर जो मॉडल के ऊपर जो लगा हुआ बेस था ये वो बेस है, इसको अभी तराशा जा रहा है पूरी तरह से। जब जनवरी महीने में जब राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा तब इसको वहाँ पर जो है वो यहाँ पर उसको लगाया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो अहमदाबाद के जो गोता के अंदर जो है अभी पूर्ण रूप से तैयारियां जो है वो उसका आखिरी ओप है उसको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब जो लोग यहाँ पर जो बनाने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इसको जो है बनाने की कामगिरी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कश्यप मेवाड़ा। अच्छा कश्यप भाई, सबसे पहले तो ये बात की अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश के अंदर जो इसकी तैयारियां है वो चल रही है, अहमदाबाद के अंदर ये ऑर्डर कैसे मिला आपको? अभी हमारा तो जो पीढ़ी है ना वो ऑलमोस्ट 81 इयर्स से है, तो उसके हिसाब से भी उन्होंने भी जरा देखा होगा हमारा जो काम है सब, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारा पूरे इंडिया में गिनो तो 85% हमारा काम है पूरे मंदिर दिरासर जो भी गिनो, तो उस हिसाब से भी पीढ़ी के हिसाब से भी मुझे काम मिला है, फिर भगवान राम की कृपा होगी इसके हिसाब से भी मिला होगा। अच्छा ये जो ध्वज स्तंभ जो बनाने जा रहे हैं आप उसकी उसका तकरीबन वजन कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? देखिए ध्वजदंड में टोटल 7 ध्वजदंड है, ये 6 ध्वजदंड है ये परकोटा के ध्वजदंड है वो छोटे छोटे 20 फुट के है, और जो ये 6 ध्वजदंड है वो 20 फुट के है, और जो बड़ा वाला मेन ध्वजदंड है वो 44 फुट का है 44 फीट का, और जो डायमीटर है उसका पर्टिकुलर वो 9.5 इंच ओडी आउटर डायमीटर और आईडी है 7.5 इंच। अच्छा ये आपके यहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर बने हैं जिसकी खुशी पूरे देश में लोग जता रहे हैं, आपके यहाँ पर उसका जो मेन जो ऊर्जा का स्रोत है जो ध्वज दंड है वो यहाँ पर बन रहा है, कैसी खुशी आप? खुशी तो बहुत सारी है क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे हम लोगों को ऐसा काम मिला, और मुझे तो मेरे दादा के टाइम का हमारे लोग का अनुभव है, और हमारे कारीगर जो वर्कर्स हैं उन लोगों का भी ऐसा खुशी है उन लोगों को भी कि वो बना रहे हैं, अभी उनको भी दिन रात काम कर रहे हैं। अच्छा और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कल्पना मेवाड़ा। सर कल्पना बहन, आपकी जो फैक्ट्री है यहाँ पर ध्वज दंड है उसको बनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, और वो टफ काम है लेकिन कर रहे हैं हमारे वर्कर और अच्छी तरह से हो रहा है। क्या लगता है कब तक ये काम जो है वो हो जाएगा? अभी 2-4 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, फिर जब वो कहेंगे तब भेज देंगे।
अच्छा क्या नाम है आपका? अनिल मेवाड़ा। अच्छा क्या लगता है ये जो काम है कितने मजदूर जो कितने मजदूर है इसमें कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? पूरा घर का स्टाफ है और वो फैक्ट्री का स्टाफ है पूरा 25-30 लोगों का काम है पूरा इधर। कितने कितने महीने से चल रहा है ये? 3-4 महीने से करीबन चल रहा है ये। अच्छा और मेरे बड़े भैया की फैक्ट्री है, मैं तो आज देखने आया हूँ इधर। अच्छा यानी कि ये जो भरत भाई है, भरत भाई भी यहाँ पर उपस्थित है, इनसे भी बात करेंगे। जो भरत भाई जो है कंपनी के ऑनर है, इनसे बात करते हैं कि ये ध्वज दंडो है इसको किस तरह से बनाया जा रहा है, कितने मजदूर जो है वो इस कामगिरी में जो है वो लगे हुए। भरत भाई कितने मजदूर यहाँ पर इसको बनाने में लगे हो, कितने समय से काम जो है ये चल रहा है? फैक्ट्री में और मेरे वेंडर के वहाँ सब मिला के तो 35 से ज़्यादा मजदूर दिन रात पिछले 6 महीने से हम लोग ये कर रहे हैं और आज उसका रिजल्ट मिल गया है और हम लोग कंप्लीशन में सिर्फ 1% बाकी रह गया काम, वो कल तक पूरा हो जाएगा। अच्छा इस ध्वजदंड के अलावा और क्या क्या एसेसरी जो है जो राम मंदिर के अंदर यहाँ से जानी है? सबसे पहले तो हमने राम मंदिर के जो दरवाजा है वुडन दरवाजा उसका सब ब्रास का हार्डवेयर वो जो कि बहुत स्पेशल होता है कस्टमाइज होता है वो हमने 42 डोज के हार्डवेयर हमने भेज दिया था 4 महीने पहले। उसके बाद में जहाँ वहाँ जहाँ जहाँ घंट लगता है कोई झूमर लगता है कोई फैन लगता है तो वो झूमर का भी हमने सब कड़ा भेज दिया है। तो यानी कि देखा आपने कि किस तरह से ये जो ध्वज दंड है आप देख सकते हैं, ये इसकी लंबाई जो है वो आप देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, किस तरह से इसको जो है वो बनाया गया। तकरीबन अगर बात करें तो पिछले 3 महीनों से ये कामगिरी जो है तकरीबन प्रतिदिन 35 से 40 मजदूर मिलकर इसमें जो है लगे हुए थे। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें जो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग वर्क जो कंपनी अंबिका उसके जो परिवार के जो सदस्य है वो भी सभी इससे जुड़े हो, और क्यों ना हो कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है जिसकी जो जिसकी पूरी खुशी जो है वो पूरे देश में लोग जता रहे। तो अहमदाबाद के जो गोता विस्तार में जो अंबिका इंजीनियरिंग कंपनी है भरत भाई मेवाड़ा का जो फैमिली है उनके द्वारा ये दो ध्वज दंड है उसको यहाँ से वहां पर भेजा जाएगा। तकरीबन 5500 किलो का ये ध्वज दंड होगा। उसके अलावा भी अगर बात करें तो तकरीबन और भी 6 जितने ध्वज दंड हो उसके अलावा भी काफी सारी एसेसरी है जो हार्डवेयर का जो सामान है वो भी यहीं से अयोध्या राम मंदिर के अंदर जाएगा। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज अहमदाबाद। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 22 जनवरी को लेकर सारी व्यवस्थाओं की तैयारियां सही चल रही है। सारी व्यवस्थाएं 22 जनवरी को लेकर के तैयारी चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है और अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। तो रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। भगवान राम की नगरी में बनाया जा रहा श्रीराम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, अब इसका उद्घाटन होना है। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर को श्रीराम एयरपोर्ट का उद्घाटन PM कर सकते हैं, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। आई जानते इस बारे में क्या कहना है कुछ अधिकारियों का। एयरपोर्ट के संदर्भ में फेज़ 1 का हम लोग का एयर स्ट्रिप कम्प्लीट हो चुका है, रेशा और टर्मिनल बिल्डिंग का 97% कम्प्लीट हो गया, फिनिशिंग का टर्मिनल बिल्डिंग का चल रहा है जो कि 15 दिसंबर तक हम लोग संभावित है कि उसको फिनिशिंग काम कम्प्लीट कर लेंगे, और डीजीसीएस लाइसेंसिंग की प्रक्रिया और स्पोर्ट का इंस्पेक्शन उनके द्वारा किया जा चुका है, उसकी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है पहले से और उसका भी फाइनल हो जाएगा, तो फिर हम लोग स्थिति में होंगे कि एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। इनॉग्रेशन सर खबरें चल रही हैं 15 अभी उसके लिए डेट की फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही डेट आप फाइनल होगा आप लोग को अपग्रेड कराया जाएगा। एयरपोर्ट लगभग 98% तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि देखिए ग्रीन एरिया बस बचा है वो भी ग्रीन एरिया काम चल ही रहा है, टर्मिनल का भी अभी सारे टायर्स सब कुछ फिनिशिंग वर्क हो चुका है, बाकी फर्स्ट बिल्डिंग है उसमें सारे स्टाफ भी आ चुके हैं वो भी चालू हो चुका है, पेंडिंग काम कुछ है नहीं। लगभग 15 दिसंबर तक ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे, क्या कह रही है?
तैयारियाँ तो जोर शोर से दिन रात हम लोग कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से हम लोग दिन रात नाइट डे कर रहे हैं कि काम हम लोग ख़त्म ही कर दें। और काम देख ही रहे हैं आप, दिन रात चल रहा है तो काम देख लीजिए। हम लोग कुछ 1-2 महीने में हमने पूरे लगभग काम कंप्लीट कर दिए, 98% तो कंप्लीट कर दिए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग और जो रनवे है वो उसका काम पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है? हाँ, रनवे का तो काम कंप्लीट हो चुका है। डोमेस्टिक उड़ानें हो सकती हैं, 2.2 किलोमीटर है वो जो रनवे हमारी बनी है वो हो चुकी हैं, उड़ान कर सकती हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस मिले आपको, कब तक कंप्लीट करना है, कब तक शुरू है? हम लोगों को तो कहा गया कि 15 तक इनॉग्रेट करेंगे, शायद PM आएंगे तो उसके लिए हम लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं। तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले न्योता भेज दिया गया है। तमाम क्या आम क्या खास उस वक्त अयोध्या में आने वाला है। मैंने खुद अयोध्या को उस वक्त से देखा है जिस वक्त अयोध्या में कोई जाता नहीं था। अयोध्या में दीपावली के दिन सिर्फ अयोध्यावासी दीप जलाते थे और अयोध्या में दीपावली मनाई ही इसलिए जाती है कि श्री राम अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। उसके बाद अपनी नगरी को जगमग सजाया गया था, उसी खुशी में हम दीपावली मनाते हैं। लेकिन अयोध्या में वो दीपावली मनाई नहीं जाती थी क्योंकि रामलला टेंट में विराजमान थे, क्योंकि टेंट में थे, उन्हें टेंट में रखा गया था क्योंकि मुकदमा चल रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। तो धीरे धीरे हमने ये दिन भी देखा कैसे उन्होंने अपना मुकदमा खुल लड़ा और ये सुप्रीम कोर्ट से मंदिर का रास्ता साफ हुआ और आज इस नई अयोध्या को देख रहे हैं। एयरपोर्ट भी तैयार है, मंदिर भी तैयार है। तो भगवान श्री राम एयरपोर्ट पर एक और रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या में त्रेतायुग की तस्वीर जीवंत हो रही है। योगी सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है इस रामनगरी को त्रेतायुगीन बनाने में। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अपने पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, आज योगी सरकार ने राम भक्तों के लिए तोहफा दिया है कि पुष्पक विमान ना सही लेकिन हवाई जहाज के रास्ते से अयोध्या वो सभी राम भक्त आ सकते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। मेरी मौजूदगी इस वक्त श्री राम एयरपोर्ट पर। लगभग 98% कार्य इस एयरपोर्ट का तैयार हो चुका है। यहाँ के इंजीनियर की माने तो उनका कहना है कि आने वाली 15 दिसंबर को यह एयरपोर्ट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने आ रहे हैं। पूरा लगभग जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ पर चाहे रनवे हो या बिल्डिंग हो, सारी चीजें 98% तैयार हो चुकी हैं। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं, बस अमली जामा पहनाया जाना है। सभी लोगों का सपना साकार होने जा रहा है और अयोध्या को श्री राम एयरपोर्ट का एक बेहतरीन तोहफा मौजूदा सरकार देने जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। चलिए, एयरपोर्ट की भी पूरी तैयारी, किसी भी वक्त जो है वो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहा जा रहा है 15 के आसपास हो सकता है। तो राम के दिव्य और भव्य मंदिर का तेजी से निर्माण, अगले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। PM मोदी समेत 8,000 गणमान्य हैं जिनको निमंत्रण भेजा गया है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। मंदिर के दूसरे तल का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर के भूतल में पिंक सैंड स्टोन के 161 पिलर हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर के 8 पिलर हैं। तो इस तरीके से भव्य अयोध्या तैयार है, लगातार तैयार है। और हर अयोध्यावासी समेत हर कोई इस वक्त जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी है वो इस वक्त राममय हो जाना चाहता है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार था कि उसके जो आराध्य हैं उसके आराध्य का एक स्थान हो, उसके आराध्य का एक भव्य दिव्य मंदिर हो। और उसका सपना पूरा होने जा रहा है जहाँ पर वो अयोध्या में आए और अपने रामलला के दर्शन कर पाए। ये सपना होने जा रहा है साकार अयोध्या में।